ये मान लेते हैं मास एम का है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के का है, एंड ये ब्लॉक अभी अपने नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे है, दिस इज नेचुरल लेंथ पोजीशन। अभी ब्लॉक की कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है मैंने, और मैंने क्या किया राइट की तरफ एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसमें, दिस इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट किया मैंने। एंड अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि पहले एनालाइज करते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा, एक बार मोशन एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी या मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितनी होगी, ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले मोशन एनालाइज करते हैं। अभी देखो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे, तो क्या स्प्रिंग खींच रहा है इसको, क्या स्प्रिंग खींच रहा है इसको अभी? नहीं, अभी स्प्रिंग, जब तक स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगी नहीं तब तक स्प्रिंग कैसे खींचेगा, तो अभी तो स्प्रिंग नहीं खींच रहा है। इसका मतलब इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये ब्लॉक बेसिकली एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, अब मान लेते हैं कि कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे पहुंच गया, ये मान लेते हैं यहां पे पहुंच गया, ठीक है, यहां तक पहुंच चुका है। अब अगर यहां पहुंच गया है इस पोजीशन से पहले तक, मतलब मान लेते हैं कि भी कोई एक रैंडम सा पोजीशन लिया मैंने, तो रैंडम से पोजीशन पे दिखाएं, तो यहां पे फोर्स राइट की तरफ लग रही होगी, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही होगी क्योंकि पुलिंग फोर्स होगी, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही होगी। तो देखो जैसे जैसे अगर आप इसकी बात करते हैं, अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक की बात करते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, ये आपको समझ आ रही है, एज एक्स इंक्रीजेस स्प्रिंग फोर्स विल इंक्रीज, राइट, है ना? यस सर, ग्रेजुअली मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता चला जाएगा, बट इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली अप्लाइड फोर्स एफ इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग फोर्स, और अगर ये बड़ा है इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा, ब्लॉक विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट, ब्लॉक विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट, करेक्ट है, बट ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये, जब तक ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस नहीं हो जाते, है नहीं है, है या नहीं? तो जब ये अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स से मैच कर जाएगा, वो कोई ना कोई एक पोजीशन तो होगा ही, तो मान लेते हैं यहां पे वो पोजीशन आ चुकी है जहां पे दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो यहां पे एफ दिखा दिया, यहां पे स्प्रिंग फोर्स दिखा दिया, और ये दिखा देते हैं कि ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुका है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब दोनों दोनों तरफ के फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं, तो क्या यहां पे ब्लॉक रुक जाएगा, क्या यहां पे ब्लॉक रुक जाएगा, क्या ये ब्लॉक यहां पे रुक जाएगा? नहीं सर, नो सर, नहीं, क्यों? क्योंकि no. यहां पे तो ऑलरेडी उसने वेलोसिटी गेन किया ना यहां तक आते वक्त, क्या ये नहीं किया? यस yes. यहां पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी yes. हो चुका होगा, क्यों? क्योंकि जैसे वो इस पोजीशन को क्रॉस करेगा, जैसे इस पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो अब कौन बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा ना, और स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा, एंड वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा तो फाइनली एक पोजीशन आएगा जहां पे इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई है, फोर्स जीरो नहीं हुआ याद करना, क्योंकि फोर्स आपकी अब आपकी लेफ्ट की तरफ एक अनबैलेंस फोर्स होगी, क्योंकि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में अगर हम बात करें, इस पूरे रीजन में राइट हाफ वाले रीजन में, ये वाले रीजन में कौन बड़ा है, स्प्रिंग फोर्स बड़ा है, अप्लाइड फोर्स है, इसीलिए एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, मतलब यार अदर टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं आप, टुवर्ड्स लेफ्ट, समझ आ रही है आपको, इस पूरे रीजन में आपकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, आ रही है बात समझ में आपको, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवेयर एवरीबॉडी? यस सर, yes. So as x increases, spring force increases gradually, but initially force applied is greater than spring force, block will accelerate towards right till f becomes equal to f spring. Hereafter spring force becomes greater than applied force, therefore block decelerates and hence has acceleration towards left. तो पहले हाफ में acceleration was towards right. पहले हाफ में acceleration was towards right. Second half में acceleration is towards left. तुम दोनों में देखोगे तो एक चीज कॉमन है, ये दोनों acceleration देखो towards equilibrium position है, दिख रहा है आपको?
ये दोनों ही एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन है, दिख रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर। आपको याद है एक चीज मैं आपको बता रहा था, जब मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन समझा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन में जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो तो दोनों तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स मिलती है, आपको याद है? और वो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन जो होता है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आप देखोगे तो ये उसका इक्विलिब्रियम पोजिशन है, ऑसिलेटिंग सिस्टम है ये, इसका इक्विलिब्रियम पोजिशन है। जब डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होगी, देखो राइट की तरफ, तब देखो एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, राइट। एंड जब ये डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजिशन से इस तरफ होगा तब देखो एक्सेलरेशन देखो राइट की तरफ होगा, दिख रहा है ना? हाँ सर। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजिशन है ये किस तरह का इक्विलिब्रियम पोजिशन है, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये फाइंड आउट कर लें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये फाइंड करें कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन इस स्प्रिंग में कितनी आएगी, ठीक है? एक है इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन, देखो मैंने एक्स ई से मार्क किया है, और एक है मैक्सिमम इलॉन्गेशन जिसको हम एक्स मैक्स लिख रहे हैं, ठीक है? आप ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पोजिशन में नेट फोर्स जीरो करते हैं, मैक्सिमम इलॉन्गेशन वाले पोजिशन पे हम नेट फोर्स जीरो करते हैं, दोनों सॉरी वेलोसिटी जीरो करते हैं, दोनों कंडीशन अलग है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? याद रहेगा आपको? याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको लिख देते हैं, यहाँ लिखा नहीं था मैंने, एफ इज ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स देयरफॉर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, पहले तो इक्विलिब्रियम पोजिशन के लिए फिर से बात कर लेते हैं। सो फॉर इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन हमें क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है, एंड नेट फोर्स जीरो करेंगे मतलब के टाइम्स ऑफ एक्स ई, इसको अप्लाइड फोर्स से इक्वेट करेंगे तो यहां से एक्स ई की वैल्यू मिल जाएगी, एफ बाई के होगी, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन, एक्स ई इज इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब हम मैक्सिमम इलॉन्गेशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फॉर मैक्सिमम इलॉन्गेशन इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी। तो अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी खुद ही जीरो है, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क आएगा दैट विल बी, देखो एक्सटर्नल एजेंट एक कॉन्स्टेंट फोर्स है ना, आपको हेडिंग ही दिया है, देखो कॉन्स्टेंट फोर्स है ना ये, कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही करते हैं ना? तो फोर्स हमने राइट की तरफ लगाया है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ कितनी हुई है, देखो तो एक्स मैक्स हुई है, तो इसका वर्क कितना आया, इस कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क कितना आया, एफ इंटू एक्स मैक्स, लिख सकते हैं? यस सर। तो इसको लिख रहे, देखो एफ इंटू एक्स मैक्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, that will be equal to zero. So therefore f into x max that will be equal to change in potential energy matlab half k into x max ka square minus of zero, kyunki initially natural length se start kiya tha to initial zero tha, yahan se dekhoge to x max ek to cancel out ho jayega and finally aapko x max mil gayi hai, x max is coming out to be 2f by k r, ye dikh rahi hai aapko, which is twice of equilibrium elongation, dikh rahi hai? दिख रही है आपको? Yes, sir. ये expected था या नहीं, सोच के देखो एक बार, क्या ये expected था कि maximum elongation twice of equilibrium elongation आए? क्योंकि जो भी equilibrium position होती है, जो भी equilibrium position, जैसे ये equilibrium position है, तो इसके respect में जितना ये इधर जाएगा उतना ही तो इधर जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, राइट? जिसको हम amplitude कहते हैं, जैसे आप पेंडुलम वाले एग्जाम्पल में भी देखा आपने कि अगर मैं 30 degree लेफ्ट डिफ्लेक्ट करके छोड़ू तो राइट की तरफ 30 degree तक जाएगा, अगर किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, तो ये ऑसिलेटिंग सिस्टम में हमेशा इक्विलिब्रियम से एक तरफ जितना डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा, इसलिए आपने ये तो ऑलरेडी देख लिया था इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन वाज एफ बाई के, तो और फर्दर एफ बाई के जाता ही है, तो 2f बाई के तो होगा ही, डिड यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल एनालॉजी, समझ आ रही है? यस सर।
समझ आ रही है? हाँ सर। अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करने की कोशिश करूँ तो क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे बताओ तो? जैसे इसमें भी तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था, तो क्या हम इसको यूज करके क्या यहाँ पे निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? अगर करते तो क्यों, और अगर नहीं करते तो क्यों, ये जस्टिफाई करिए। इस एग्जाम्पल में क्या हम वही कंडीशन को यूज करके निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? इसमें भी देखोगे तो ब्लॉक को जो स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश कर रहा है वो एक कॉन्स्टेंट फोर्स ही है। आप देखो यहाँ पे ये फोर्स कितनी है, mg sin थीटा है या नहीं है, और ये कॉन्स्टेंट है, दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, बट एक डिफरेंस है, देखो एक डिफरेंस है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है? जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे पहुंचा तब इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, दिख रही है आपको? ये जीरो नहीं है, दिख रही है? दिख रही है आपको? जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को स्ट्राइक किया तब इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने लगाया था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हमने कहां से कहां के बीच में लिया था? यहां से यहां के बीच में। देखो हमने इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में तो नहीं लिया, क्या हमने इस दोनों पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था? नहीं सर। तो देखो एक पार्ट है जहां पे स्प्रिंग ने वर्क ही नहीं किया, देखो ये वाला पोजीशन जो है इसमें तो स्प्रिंग ने वर्क ही नहीं किया, दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ये कंडीशन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आप वो वाला रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन में, अगर सपोजली ये क्वेश्चन में मैं मान लो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने बोला ब्लॉक को मैं यहीं से रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं ग्रीन कलर का ब्लॉक बना रहा हूँ, मैं यहीं से रिलीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोल दिया जीरो है। अब आप ये कंडीशन को यूज कर सकते थे, अब आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको ये पता है कि कॉन्स्टेंट फोर्स इसको पुश कर रहा है स्प्रिंग को, और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम का कॉम्प्रेशन होता है mg sin थीटा बाय के, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आता है 2mg sin थीटा बाय के। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? यस सर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो कि डिफरेंस क्या है, मतलब उस एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये तो हमने चलो मैक्सिमम इलॉन्गेशन भी निकाल लिया है। ठीक है, अब चलो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन द नेचुरल लेंथ पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ही एंड आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बाकी सारा डेटा तो नोन है। xc आप निकाल चुके हो क्योंकि f by k का इलॉन्गेशन है वो आपको पता है, तो बाकी सारा डेटा नोन है, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अब कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी vmax, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन नेचुरल लेंथ पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज एफ इनटू एक्सई plus work done by spring is negative of change in potential energy, which is half k into xe ka square minus of zero. And that will be change in kinetic energy, which will be half m into v max ka square minus of zero. So therefore, xe ka value substitute kar le, to f into f by k minus of half of k into f square by k square. And that will be half of m into v max ka square aa jayega. So, यहां से अगर आप देखोगे तो वी मैक्स की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज एफ बाय रूट अंडर एम के आ गई है, दैट्स इट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, कांस्टेंट फोर्स अगर लग रही है और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से स्टार्ट करना चाहिए और विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो स्टार्ट करना चाहिए, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट विल बी एफ बाय रूट अंडर एम के। तो इनको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन ट्वाइस ऑफ इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज एफ बाय रूट अंडर एम के। बट कंडीशन भी याद रखना, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट द ब्लॉक शुड बी पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स नॉट अ वेरिएबल फोर्स। दूसरा कंडीशन इज ब्लॉक शुड स्टार्ट विद नेचुरल लेंथ पोजीशन। तीसरा कंडीशन इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक शुड बी जीरो। तब आप ये कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है, समझ आ गई है आप सभी को? यस सर। मैं ये लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, रिजल्ट्स ऑफ एक्स मैक्स एंड वी मैक्स can be remembered as standard results
with conditions that pehla block should be pulled by a constant force, block should be pulled by a constant force F, dusra block should start at natural length position of spring, tisra initial velocity of block should be zero, initial velocity of block should be zero. अगर इनके कोई भी कंडीशन का वायलेशन दिखा आपको, जैसे मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने आपको दे दिया होता कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक को ऑलरेडी यहाँ पे एक वेलोसिटी दे के छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि कुछ भी एक दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो मान, एंड फिर वापस से कैलकुलेशन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया, ये वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया, देखो हो गया नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल लेंथ वाले पोजिशन पे ब्लॉक के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, दिख रही है आपको, दिख रही है आपको? ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या होता है? नॉर्मली वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में मतलब आप अगर आपको इक्विलिब्रियम का इलॉन्गेशन निकालना है तो नेट फोर्स को जीरो करो, और अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो फिर सॉरी मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालना है तो फिर उस केस में वेलोसिटी फाइनल को भी जीरो करो, तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस इस कंडीशन को यूज करना है. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes. अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ कैसे इन सबको जल्दी जल्दी आप इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ. जैसे मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मास एम, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के का है, एंड ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है. क्वेश्चन के पार्ट से पहला पार्ट है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, द ब्लॉक इज वंस रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड द अदर टाइम अलाउड to go down slowly by an external agent. External agent. Find the ratio of maximum elongation in the two cases. ये दोनों में क्या डिफरेंस आएगा. एंड सेकेंड पार्ट इज इफ अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी. अब देखो इस क्वेश्चन के पार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो. पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि ब्लॉक इज वंस रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज कर दिया, इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड एमजी कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और एमजी अगर कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो क्या हम पुराने वाले रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं? कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते. बाबा इतने कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, एक दो लोग को रिस्पॉन्ड करते हैं, आप सोचो कितना मुश्किल है आप लोग को रिस्पॉन्ड करना. आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हम कैसे आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आप बताओ. मैं 50 बार पूछता हूं तो एक लोग आंसर करते हैं.
क्या करेंगे अभी मैं बोलता रहता हूँ, अभी सुनते रहिए और क्या करेंगे। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का इलॉन्गेशन अगर निकालेंगे तो एफ बाई के मतलब एम जी बाई के आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ही मैक्सिमम होती है एंड ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है दैट कम्स आउट टू बी एफ बाई रूट अंडर एम के मतलब एम जी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम के आ जाएगा। एंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन के लिए ये मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगी एंड ये मैक्सिमम इलॉन्गेशन जो एक्स मैक्स लिखते हैं आप, इस एफ मैक्सिमम इलॉन्गेशन की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स ही आएगी मतलब टू टाइम्स ऑफ एम जी बाई के लिख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो रिलीज फ्रॉम रेस्ट दिखा रखा है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसके लिए बेसिकली आपका ये अप्रोच है, ये पूरा का पूरा अप्रोच इसके लिए है। बट दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में उसने बोला है द अदर टाइम अलाउड टू गो डाउन स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। इस बार बेसिकली क्या करें, जैसे ब्लॉक के नीचे आप सोचो आपने अपना हाथ रख दिया, इमेजिन करो जैसे आपने ब्लॉक के नीचे अपना हाथ रख दिया, ऐसे सोचो कि आप अपना हाथ यहाँ पे रख दिए हो, तो अपना हाथ अगर यहाँ रख दोगे तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता जाएगा आप अपना हाथ रखे रहोगे इसके नीचे और फिर नीचे आता जाएगा, आता जाएगा यहां तक आ गया, इसके बाद तो फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। अब आप अपना हाथ हटा भी दोगे तो क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ? इक्विलिब्रियम से ये नीचे क्यों जा रहा था याद है आपको? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी था। बट इस बार क्या इसके पास वो वेलोसिटी है? नहीं। और अगर वेलोसिटी है ही नहीं तो क्या ये नीचे जाएगा फर्दर? नहीं सर। इसका मतलब इस बार मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, वही इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन ही होगा ना? हाँ सर, समझ आ रही है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, एक ही क्वेश्चन के, देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से आपको फ्रेम करके कंफ्यूज कर सकते हैं। आपने ऐसा रट लिया इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन mg / k, मैक्सिमम इलॉन्गेशन 2mg / k, ऐसे आपने रट लिया। तो यही चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन फ्रेमर ने क्या किया, इस क्वेश्चन को रीचेंज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। उसने बोला मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालो बट एक एक्सटर्नल एजेंट उसको धीरे धीरे नीचे गिरने दे रहा है, धीरे धीरे नीचे गिरने दे रहा है। तो अब तो क्वेश्चन पूरा का पूरा ही चेंज हो गया, अब तो ब्लॉक इज नॉट एक्सेलरेटिंग, सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इट विल नॉट हैव अ वेलोसिटी, एंड इफ इट डज नॉट हैव अ वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इट वोंट गो फर्दर डाउन, एंड देयरफॉर दैट इज इटसेल्फ द मैक्सिमम इलॉन्गेशन। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हां सर, हां सर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ट्रैप्स में फंसिएगा नहीं, गो डाउन स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ये काजी स्टैटिक प्रोसेस है, काजी स्टैटिक प्रोसेस, देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट हैव वेलोसिटी, डज नॉट हैव वेलोसिटी एट एनी स्टेज, एनी स्टेज, देयरफॉर वंस इट रीचेस इक्विलिब्रियम पोजिशन and external agent removes his hands, then block won't go down any further, down any further, that's it. So पहले वाले part का answer क्या होगा, 2:1 हो जाएगा ना, हो गया नहीं होगा? हाँ sir, हाँ sir, x max में ये पहला था रिलीज्ड के लिए एंड दूसरे के लिए क्वासी स्टैटिक में, क्वासी स्टैटिक के लिए। तो ये आएगा दिस इज 2mg / k एंड दिस इज सिंपली mg / k एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 2:1। सेकेंड पार्ट का वी मैक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी मैक्स विल बी F by root under mk, मतलब mg by root under mk. इसको आप root under m into g square divide by k भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ आ गई है? हाँ सर। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम करते हैं, दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं। सर पिछले क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था ना, मैक्सिमम वेलोसिटी था ना बेटा, निकाल तो दिया। हाँ ठीक है, ठीक।
ये डायग्राम दे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी 0 है एंड स्प्रिंग शोन इज इन इट्स नेचुरल लेंथ. स्प्रिंग शोन इज इन इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन. ब्लॉक M is released from rest. Released from rest. Find M such that it is able to make capital M leave contact with surface. Leave contact with surface. ये आपको फाइंड आउट करना है. अभी देखो, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये स्प्रिंग इलॉन्गेट करेगा ना, इधर से करेगा ना, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं कर सकता, तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट तो वैलिड होगा, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग ही तो इलॉन्गेट करेगा ना. आपको समझ आ रही है आपको? हाँ सर. तो अगर मैंने इसको x से खींच नीचे लाया है, x से नीचे लाया है, तो यहाँ पे भी तो x से ये इलॉन्गेट कर जाएगा ना. आपको समझ आ रही है? इसका मतलब स्प्रिंग में एक इलॉन्गेशन x का आ गया, तो स्प्रिंग में एक पुलिंग फोर्स kx का जनरेट होगा. यहाँ से देखो तो kx का जनरेट होगा. हाँ सर. और ये kx अगर कैपिटल mg से बड़ा हो गया तो उसको लिफ्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा? हाँ सर, कर लेगा. हाँ सर, कर लेगा. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे kx भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे उसके पुल करने की चांसेस भी बढ़ेगी. तो जब x का वैल्यू सबसे बड़ा होगा तभी तो kx का वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा, राइट? हाँ सर. तो आप ये बताओ कि ये वाले केस में जहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो ये x मैक्स की अगर हम बात करें, मैक्सिमम x कितना आएगा? 2f मतलब mg by k आएगा ना? आएगा? हाँ सर, बिल्कुल. समझ आ रही है? तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो क्या लिखेंगे? के एक्स मैक्स जो जनरेट हो रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम जी, ये लिखेंगे ना? हाँ सर. वो तो क्या आपके लिए, सो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2mg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम जी. इसका मतलब स्मॉल एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम हो गई तो आपका काम हो जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो कि 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ अगर आपने 5 kg से बड़ा कोई भी मास ले लिया तो वो क्या करेगा? इसको कॉन्टैक्ट लीव करा देगा. आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर. ठीक है. बट अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही होता, सोचो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही होता, सिंगल स्ट्रिंग, तब लीव करने के लिए एग्जैक्टली अगर यहाँ 10 kg लोगे तो यहाँ भी 10 kg चाहिए. आ रही बात समझ में आपको? 10 kg से बड़ा है ना. हाँ, वहां पे तो स्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं है, स्प्रिंग में तो इलॉन्गेशन आती है, स्ट्रिंग में थोड़ी ना इलॉन्गेशन आती है. आ रही बात समझ में? हाँ सर. ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ रहा है. हाँ हाँ, बोल तो रहे हैं बट समझ भी रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इसको थोड़ा सा कॉम्बाइन करते हैं फ्रिक्शन के साथ. यहां पे मान लो एक ब्लॉक है मास M1 का, एंड यहां पे ब्लॉक है मान लो M2 का. यहां पे एक फोर्स हमने लगा रखा है F का, ये कांस्टेंट K का है, एंड दिस एंटायर सरफेस इज रफ and has a friction coefficient of mu. Question के रखा उन्होंने initially block natural length पे, initially spring natural length पे, initially spring shown is in its natural length position. F is a constant force. क्वेश्चन पूछा है फाइंड एफ मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ चाहिए सच दैट M1 starts slipping. M1 को स्लिप करानी है आपको. अब कैसे करें देखो, फिर से देखो, ये पिछला वाला एग्जांपल की तरह ही है. इसमें इसको ऊपर उठाना था, इसको स्लिप कराना है. सिमिलर अप्रोच ही है. अगर मैं सोचूं कि ये यहां से यहां आ गया है, ठीक है, ब्लॉक M2 यहां से यहां आ गया, इसको हमने x से इधर खींच दिया है,
दिस हैज बीन पुल्ड बाय डिस्टेंस x. तो स्प्रिंग कितने से एलोंगेट हो गया, x से? हां सर. हां सर. तो यहां पे कितने का फोर्स जनरेट होगा, kx का जनरेट होगा. हां सर, kx. जब अब अगर kx यहां के लिमिटिंग फोर्स को अटेन कर चुका है, f लिमिटिंग को अटेन कर चुका है, तो पक्का है ना कि ये मूव कर चुका है, मूव कर जाएगा, राइट? समझ आ रही है आपको? हां सर. हां सर. तो मुझे f का वैल्यू ऐसा चूज करना है सच कि जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन आ भी गया, मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया, तब यहाँ पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट अटेन हो जाना चाहिए. अगर इससे कम इलोंगेशन आएगा तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, है ना? समझ आ रही है आपको? तो बस ये कंडीशन आपको लगा लेना है. अब सिंस ये सरफेस रफ है तो ऑब्वियसली M2 पे भी फ्रिक्शन आपको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब जो अप्लाइड फोर्सेस को M2 का फ्रिक्शन तो ओवरकम करना पड़ेगा. और ये कितना आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ M2 इनटू G आएगा, आएगा ना, राइट? तो अभी देखोगे आप म्यू M2 G है, वो भी तो एक कांस्टेंट फोर्स ही है नहीं है? क्या ये वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट. कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है राइट की तरफ मैं इफेक्टिवली बोल सकता हूँ ना कि इफेक्टिवली जो राइट की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, एफ माइनस ऑफ म्यू एम टू जी लग रही है ना. तो एक्स मैक्स की वैल्यू को क्या हम ऐसा लिख सकते थे, ट्वाइस ऑफ एफ माइनस ऑफ म्यू एम टू जी डिवाइडेड बाई के, ऐसा लिख सकते थे? हाँ सर. समझ आई? एंड अकॉर्डिंगली अब क्या लिखते हैं, के एक्स मैक्स, के एक्स मैक्स को हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ लिमिटिंग मतलब म्यू टाइम्स ऑफ एम वन जी करना है, करना है नहीं करना? समझ आ रही है? हाँ समझ आ रही है. हाँ सर. अब बस कंडीशन लिख लो यहाँ पे, सो ट्वाइस ऑफ एफ माइनस ऑफ म्यू एम टू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम वन जी एंड देयरफॉर एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम वन बाई टू प्लस एम टू इन टू जी. तो f मिनिमम पूछा था उसने, तो f मिनिमम का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, f मिनिमम विल बी म्यू टाइम्स ऑफ m1 by 2 प्लस m2 into g हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर. अंडरस्टूड? हां सर. हां सर. हां सर. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने ग्रुप में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो मैंने बोला था उसका वीडियो सॉल्यूशन देना पड़ेगा, उसको एक बार दिखा देता हूं या अब कर सकते हैं क्योंकि कांसेप्ट सीख चुके हैं आप. एक मिनट रुकिए, आगे वो क्वेश्चन आगे वाला ये. ये दो बार पूछा जा चुका है ग्रुप में, बट मैं दोनों बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया क्योंकि थ्योरी वहां तक कवर नहीं किया था मैंने, अब ये कर सकते हैं. Just read out the question. A block of mass M is attached with a massless spring of force constant K. The block is placed over a fixed rough inclined plane for which the coefficient of friction is mu equal to 3 by 4. Check the data, check karo. Mu ka value 3 by 4 hai. And inclination bhi 37 ka hai. Dekh rahe aapko? Which is exactly tan 37 hai na? Dekh rahe aapko? Mu is tan 37. Dekh rahe aapko? है ना? हाँ सर. हाँ सर. इसका मतलब ये रिपोज एंगल है ना बेसिकली, है ना? रिपोज एंगल ही 37 डिग्री है. क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोल दो बेटा. हाँ सर. इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, कह सकते हैं सर? कह सकते हैं ना? हाँ सर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. The block of mass M is initially at rest. ठीक है. The block of mass capital M is released from rest with spring in unstressed state. देखो conditions सारे important है. Release from stressed rest है, ये important condition है. Spring in its unstressed state, ये भी important condition है. है ये नहीं important condition? क्योंकि इसके according हम वो 2mg 2f by k वाला condition use करेंगे. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. तो अब सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाता जाएगा, सोचो जब मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि ये ब्लॉक थोड़ी सी नीचे गई है, अभी पूरी मैक्सिमम इलॉन्गेशन की बात नहीं करते, मान लेते थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है. अगर ये थोड़ा सा नीचे गया तो स्प्रिंग फोर्स थोड़ा बढ़ेगा, राइट? इधर से मान लो ये एक्स आ गया तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा? हाँ सर.
इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है एमजी साइन 37 डिग्री, अब इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कम चाहिए या उतना ही चाहिए? ये फ्रिक्शन अब डेफिनेटली लेस देन लिमिटिंग होगा, होगा या नहीं होगा? होगा होगा या नहीं होगा? अरे तुमने तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स को अगर घटा दिया, तुम पहले देख रहे थे जब वो कोई स्प्रिंग में इलॉन्गेशन नहीं था तब फ्रिक्शन तो लिमिटिंग ही लग रहा था ना, क्योंकि रिपोज एंगल पे था, राइट? पहले 37 पे था तो रिपोज एंगल पे था, रिपोज एंगल पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लग रहा था। अब अगर आपने ऊपर की तरफ एक केक्स फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही घट गई। अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट घट गई है तो आप तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोलोगे ना। ओ अच्छा, हाँ समझ गए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है। अब जैसे जैसे सोचो ये ब्लॉक, जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जाएगा, सोचो जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, नहीं घटती जाएगी? हाँ सर घट जाएगी, राइट? घटनी तो चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब वो जीरो भी होगा। हाँ सर जीरो हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा जब kx का वैल्यू mg sin 37 हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये ब्लॉक फर्दर और नीचे जाता है तो अब kx का वैल्यू mg sin 37 से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर। kx का वैल्यू अगर mg sin 37 से बड़ा हो गया तो क्या इमीडिएटली ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर जाएगा या फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो जाएगा? बताओ। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, पीछे लगना, अब फ्रिक्शन नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? अब फ्रिक्शन नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि देखो इसने ये बोला है कि हमें ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है। वी आर सपोज टू मेक द ब्लॉक, टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, और ब्लॉक को अगर ऊपर मूव कराना है तो फ्रिक्शन किधर चाहिए आपको? नीचे चाहिए ना। अरे बात समझ आ रही है। आपको पता चल रहा है कि फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड्स, राइट? ये जो ऊपर की तरफ मैंने फ्रिक्शन दिखाया वो इनिशियली था, एंड दैट वाज टिल kx वाज लेसर देन mg sin 37, अंडरस्टैंडिंग? बट हमारे क्वेश्चन में उसको नीचे की तरफ दिखाना है, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मतलब जब वो ऊपर जाने का टेंडेंसी होगा तब तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, ठीक है? ठीक है, तो इसमें काफी चीजें सोचने की थी, मैं एक बार लिख लेता हूं उसको, ठीक है? सो विथ इंक्रीज इन x, kx increases gradually, therefore friction, friction small f से लिख रहे हैं, ठीक है? Friction decreases from f limiting initially जो लग रही थी, initially f decreases from f limiting initially from f limiting gradually. And when kx becomes equal to mg sin 37, friction vanishes. Friction vanishes. But thereafter, if x increases further, kx becomes greater than mg sin 37. Therefore, tendency of slipping is upwards now, thus friction acts downwards, and therefore, when the block is about to slip, तब कंडीशन लगा सकते हैं कि के एक्स मैक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन 37 प्लस एफ लिमिटिंग। क्या आपको बात समझ आ गई सभी को? समझ आ गई सभी को बात? ठीक है, अब तो काम आसान है। ये एक्स मैक्स तो आपको पता है 2 capital MG / K होगा, इसको यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ 2 capital MG / K, के गेट्स कैंसिल आउट, should be greater than or equal to f limiting, तो खुद ही mg sin 37 है, है ये नहीं है? क्योंकि mu mg cos theta इससे balance होता है, याद है आपको? आप चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, mu mg cos theta, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वही same ही आएगा, mu mg cos theta,
ये सेम ही आएगा. सो ये आ जाएगी टू टाइम्स ऑफ एम जी इंटू साइन 37 विच इज 3/5. और यहाँ से जी गेट्स कैंसल आउट, टू गेट्स कैंसल आउट, एंड यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू मिल रही है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3m/5. दैट इज द आंसर. तो 3m/5 का आंसर होना चाहिए. ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है. समझ आ गई सबको? हाँ सर. इसमें काफी कुछ सोचने का था वैसे, इसलिए ये इतनी बातें हम वहां पे यू नो अगर मतलब मैं वहां पे लिखता तो आपको समझ नहीं आता. अभी तो इतना बोल रहा था तब भी दो ही तीन लोग को समझ आ रही होगी मुझे लग रहा था. अभी तो सबको समझ आ गया होगा, इतना लिख भी दिया है. समझ आ गई सभी को? हां सर. हां सर. हां सर. ठीक है. दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ता हूँ असाइनमेंट की तरह. असाइनमेंट तो नहीं, असाइनमेंट में दो क्वेश्चन क्या होते हैं. वैसे तो आपके पैकेज में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा वहां से, और पीडीएफ भी जो मैंने भेजा था वहां से भी अटेम्प्ट करिएगा. बट यहाँ पे दो क्वेश्चन जस्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ. आप इसको अटेम्प्ट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में मतलब, या फिर अगर भेज सकें अगर तो भी भेजिएगा. ये फिक्स ब्लॉक है. यहाँ पे दो ये एक स्प्रिंग है कॉन्स्टेंट के का, दोनों मासेस आपके स्मॉल एम के आइडेंटिकल मासेस है, ठीक है, एंड दोनों ही सरफेस से एच हाइट ऊपर है. द क्वेश्चन सेज द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, पोजीशन ऑफ spring, find h such that blocks don't collide with surface, blocks don't collide with ground लिख दो, ground. ये question है. and एक और question दे देते हैं. एक और क्वेश्चन है. मान लो यहां पे एक अच्छा इसको थोड़ा सा बोलिए. ये मान लेते हैं ब्लॉक M1 है और ये ब्लॉक M2 है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग. दिस स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ K, ठीक है. दिस सिस्टम लाइज इन इक्विलिब्रियम. द क्वेश्चन इज फाइंड बाय व्हाट distance x the block M1 needs to be pushed further such that on being released from rest thereafter on being released from rest thereafter the block M2 is able to
leave contact with the surface. Contact with the surface. ये अच्छा question है, ये आपको सोचना पड़ेगा काफी, उसके बाद ही आपसे होगा, ठीक है? ये दो question के साथ आपको छोड़ रहा हूँ आज के class में, आप इनको attempt करके रखना, अगर बने या ना बने, जो भी आपका attempt आएगा, वो जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहूंगा आप कैसे attempt कर रहे हैं, सही हो या गलत हो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अटेम्प्ट करें, ठीक है? करेंगे आप अटेम्प्ट? यस सर, हां सर, करेंगे, हां सर, अटेम्प्ट ही करना है, अब बने या ना बने ये तो एक बात की बात है।